गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तपन आपका होस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल इंडिया में आपका स्वागत है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, मैं बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंचा इसके डिटेल्स में जानकारी दिया था। अभी मैं बद्रीनाथ धाम का पार्किंग एरिया में पहुंच गया हूं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, आपको शायद इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। आप देख सकते हैं दूर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ऊँचे ऊँचे चोटियाँ हैं, और आगे मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर तक। गाड़ी पार्क करने के बाद ये जो सामने आप चौक देख रहे हैं, ये चौक से लेफ्ट तरफ मंदिर के लिए रास्ता जाता है, और सीधा जो रास्ता जाता है ये माना गांव की तरफ जाता है। मैं मेरा अगले वीडियो में माना गांव के बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में हम लोग बद्रीनाथ धाम का पूरा दर्शन करेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए और आगे की जानकारी आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग उत्तराखंड स्टेट के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम में हैं, और मैं अभी जा रहा हूं मंदिर का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यहां पे मैंने एक चीज़ महसूस किया है, ऑक्सीजन की कमी। आप थोड़ा सा ही जैसे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण ऐसा महसूस होता है। और जैसे होता है कि सभी मंदिर का रास्ते में काफ़ी सारे दुकानें होते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही सेम है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे दुकानें हैं यहाँ पे, कपड़े की दुकान है, पूजा पाठ सामान की दुकान है, फल फ्रूट्स की दुकान है, होटल्स हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे दुकान है। मंदिर जाने के रास्ते में आपको जो आपकी पसंदीदा चीज़ हो आप उसी को ख़रीद सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बद्रीनाथ धाम का पूरा एरिया है। आगे आगे मेरे पिताजी जा रहे हैं, और यहाँ का जो रहने का सुविधा है, यहाँ पे GNBN का गेस्ट हाउस है, काफ़ी सारे प्राइवेट होटल्स हैं, आप जो है ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, यहाँ आके भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि पीक सीजन में अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो यहाँ पर आज नहीं रुक रहा हूँ, मैं तो जो है जोशीमठ में रुका था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप अगर आ रहे हैं, यहाँ पे रुकने का प्लान है, तो आप GNBN जो गढ़वाल मंडल का विकास का वेबसाइट है, आप उसी से जाके ऑनलाइन कुछ दिन पहले से ही आप बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो है अलकनंदा नदी बहती हुई, और उस पर जो है बद्री विशाल का मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप देख सकते हैं दो ब्रिज हैं, एक मंदिर के पूरा सामने है और एक जो ब्रिज है थोड़ा सा साइड में है। तो आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, और साइड में जो है माँ अलकनंदा नदी बहती हुई, और ये मेरा फैमिली है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है नदी का दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे तप्त कुंड हैं, आप नहा के मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं पिंड दान करने के लिए भी आते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे जो नदी का पानी है पूरा बर्फ जैसा ठंडा है, और उसका स्रोत भी बहुत स्पीड है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जब भी यहाँ पर आएँगे जो है नदी में उतरने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत डेंजर है, और यहाँ पे कोई भी जो है नदी में नहीं नहाता, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। और जो है मैं अभी पहुँच गया हूँ मंदिर के सामने, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, और लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था, और मैं अभी मंदिर के सामने हूँ। दोस्तों, मैं क्षमा प्रार्थना चाहूँगा, क्योंकि मंदिर का अंदर वाला दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है। तो मैं यहीं से जितना हो सकता है आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे जो है मैं कैमरा बंद कर दूँगा, और उसके बाद मंदिर के बाहर आने के बाद मैं आपको पूरी जानकारी फिर दूँगा। दोस्तों, मैं अभी मंदिर के बाहर आ चुका हूँ, और मेरा बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ है, और काफ़ी भीड़ होने के कारण जो है दर्शन करने के लिए मेरे को करीबन आधा घंटा से एक घंटा लगा है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए हैं बद्री विशाल जी के। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मंदिर है बद्रीनाथ धाम,
ये विष्णु जी को समर्पित है। और जो एक चीज़ है कि हमारे हिंदू धर्म में चार जो धाम हैं ये सर्वश्रेष्ठ धाम है, बद्रीनाथ धाम। वैसे तो चारों धाम श्रेष्ठ हैं लेकिन ये बद्रीनाथ धाम जो है सबसे ऊपर में आता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो यहाँ विष्णु जी रहते हैं इसको वैकुंठ धाम कहते हैं, तो मैं अपने हिसाब से इसको वैकुंठ धाम ही मानता हूँ, क्योंकि आसपास के आप नज़ारे भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर हैं। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप लाइफ में एक बार सपरिवार के सहित यहाँ पे जरूर आइए और बद्री विशाल जी के आशीर्वाद जरूर लीजिए। हाँ, लेकिन आते टाइम जो है अगर आप बच्चे साथ में ला रहे हैं तो थोड़ा उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। क्योंकि मरी जो बड़ी बेटी है ये मंदिर दर्शन नहीं कर पाई, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और वो गाड़ी में है, और बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी मंदिर के सामने बैठा हूँ फैमिली के साथ, और मेरा छोटा बेटा यहाँ पे है, और जो है मुझे बहुत यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो मेरा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो मेरा वीडियो होगा वो माना गांव इंडिया का लास्ट विलेज है, इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।